Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर फुरकान साहब। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस मंथ हम एक सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, जिस तरह इंसानों के लिए 1.22 की सर्विस है, तो बिल्कुल इस तरह की हम एक सर्विस लॉन्च कर रहे हैं लवबर्ड के लिए। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बाइक नहीं होगी, गाड़ी होगी, तो उसके ऊपर पूरा लवबर्ड सारा हम प्रिंट करके, तो आपकी एक कॉल पे वो गाड़ी आपके एवरी में पहुंचेगी विद द डॉक्टर फैसिलिटी विद द डिसइंफेक्शन सर्विस। जो लोग कहते हैं कि जी लव बर्ड गिर गया लुट गया, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ एक सीजन में आपने 50 लाख की सेलिंग की, अगर नेक्स्ट सीजन में 25 लाख की तो इसका ये मतलब नहीं कि सेलिंग नहीं हुई और लवबर्ड गिर गया। तो मेरा तो एक ही एजेंडा है कि बी पॉजिटिव, हर टाइम पॉजिटिव रहें। मसूद भाई, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको इनवाइट किया। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे और आपके कारोबार में रिस्क में बरकत फरमाए। मकसूद भाई जी बड़े अच्छे ब्रीडर हैं और मेरा ख्याल है पिछले कि 5-6 साल से ब्रीड करवा रहे हैं बर्ड, और सब म्यूटेशंस अच्छी ब्रीड करवा रहे हैं, और इस टाइम जिनका फेल फॉलो विन हुआ था, मेरा ख्याल है ऐसा टर्कवाइज फेल फॉलो देखने में कमी मिलता है। ये एक इस हॉबी का बड़ा हुसन है मकसूद साहब, जिसको कुछ देर पहले उतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज माशाल्लाह उनको चैंपियन के नाम से जानते हैं लोग। तो उसके पीछे उनकी बर्ड से मोहब्बत, बर्ड से लगाव, उनका शौक और उनका जुनून है। स्टेज पे वो आके जो है वो कुछ कलमात आपकी भरपूर तालियों में हारिस रही। तुम भाई को बहुत बहुत मुबारक हो जो उन्होंने जीता और बहुत अच्छा बर्थ है इनका। आपकी भरपूर तालियों में मलिक जैन।
जैसा कि अजरा भाई ने बताया कि जो शो है वो आपको प्रोमिनेंट करता है, आपकी पहचान बनाता है। बर्ड्स तो सारे ब्रीड करा रहे हैं लेकिन शो आपको एक पहचान देता है। जैसे मकसूद भाई को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और जब उन्होंने शो विन किया, चैंपियन हुए, तो जो उनको नहीं जानते थे या जो नए शौकीन आ रहे थे वो भी अब जानते हैं कि मकसूद भाई ने PLF का शो विन किया और चैंपियन हुए। आपकी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पे दावा दूंगा डॉक्टर सुहेब नजीर। सबसे पहले जी मकसूद भाई का शुक्रिया, अल्लाह ताला ने इनको भी इज्जत दी और इनके साथ हम एक अच्छा शो डिलीवर करेंगे, इस शो टीम का भी हिस्सा थे। और सबसे पहले मैं LSP मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिनके तआवुन से ये हमने शो जो है डिलीवर किया। और उसके बाद बहुत से दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने माली तौर पर हमारे साथ तआवुन किया, जैसे डॉक्टर फुकान साहब हैं, उमर चौहान भाई हैं, एक गुमनाम भाई हैं हमारे वो भी स्पेशल में है लेकिन नाम बताने से उन्होंने मना किया, वकास अहमद भाई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तथा भट्ट साहब हैं जिनके तआवुन से ये शो पाए तकमील तक जा सका। नेक्स्ट शो जो LBS का आ रहा है जी, उसके अंदर भरपूर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जिस तरह अभी माशाल्लाह मकसूद साहब जो के चैंपियन हुए और उन्होंने विन किया, जिनकी वजह से सारा हो रहा है, जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि 28 मई 2023 को इंशाल्लाह ताला LBS का लबड एग्जीबिशन होने जा रही है और फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और इसका क्रेडिट जो है वो नवीद शेख साहब को जाता है। मकसूद अहमद साहब, आई रियली वांट यू टू बी हियर ऑन द स्टेज, आप इधर आए और थोड़ा सा हमें बताएं कि शो की जो प्रिपरेशन थी वो कैसी रही, एक्सपेक्टेशन क्या थी और रिजल्ट्स तो हम सबको पता। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम एवरीवन के आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और मुझे इज्जत बख्शी। जहाँ तक इस शो को लेके मेरी अचीवमेंट का सफ़र है वो एक बहुत तवील जर्नी है जो मुझे कंटिन्यूसली तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं कि बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। और सिर्फ इसमें बर्ड ब्रीड करवाना ही नहीं होता, इसमें बहुत से पहलू को देखना पड़ता है। उसमें आपकी स्ट्रगल कितनी है, आप उस उन बर्ड्स को टाइम कितना दे रहे हैं, आप में जज्बा कितना है बर्ड को लेकर, मतलब पैशन जुनूनी हद तक आपको, जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो आप एक लेवल तक नहीं जा सकते। न्यू फैंसियर्स आते हैं उनमें बस इसी वजह से मार खा रहे होते हैं, वो 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं तो वो डीग्रेड हो के हॉबी से दूर हो जाते हैं। लेकिन मुझे शौक था और मैंने इसको कंटिन्यूसली रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल कंटिन्यूसली बर्ड्स को री इन्वेस्ट करता गया। मैं बर्ड्स की 2 कैटेगरीज, जैसे कि कुछ लोग हैं वो कैपिटल की वजह से बर्ड में आते हैं, उसके पास अमाउंट है, वो 1 साल में आएगा चाहे 10 जोड़े डरपैर होकर लगा ले। मैं उस कैलिबर का नहीं था, मैंने स्ट्रगल की, 2 पेयर लिए थे, 2 पेयर से मैंने जर्नी स्टार्ट की और कंटिन्यूसली 8 साल और उसमें इम्प्रूवमेंट करते करते अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम शो में गया और चैम्पियन बन गया। और ये और ये मेरा मैसेज सबके लिए है जो ये समझते हैं हर बंदा चैंपियन बन सकता है, उसके लिए आपकी स्ट्रगल होनी चाहिए, आपकी बर्ड के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए अपने सीनियर्स को लेके। ये ना समझे कि आप घर में ना समझे, किसी सीनियर के साथ अटैच हों जिससे आप मशवरे लें, उनसे सीखें, तो हर बंदा इस मुकाम तक पहुंच सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो तब ही ये मुकाम मिलते हैं। तो इसकी जो फीलिंग्स है ना वो मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता कि चैंपियंस की जो फीलिंग्स होती हैं वो अनक्रेडिबल है, बंदा बता ही नहीं सकता। तो इसी सिलसिले में हम दोस्तों ने, मैं, मेरा दोस्त सफीर भाई और नईम भाई और काशी मलिक साहब मिल के एक चैनल भी बना रहे हैं दी एवी कल्सिस के नाम से, जिस पे हम मिल के काम करेंगे और न्यू फैंसियर्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हॉबी का अभी स्टार्ट है, इसको अभी हमने बहुत बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है। उसमें हर बंदे का इंडिविजुअली कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तो तमाम भाइयों से दोबारा मैं यही कहूँगा कि आप सबका आने का बहुत शुक्रिया।